नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 201 मीटर निकाली गयी तिरंगा यात्रा। यह यात्रा नगर के पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया से चलकर राम पूजन सिंह चौक, शांति चौक, किशोरी चौक, खेतौनी चौराहा, सिकंदरपुर चौक होते हुए रामनाथ धनंजय स्मारक चिल्ड्रेन स्पोर्ट पर संगोष्ठी के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अस्वीकृत संघ, विशिष्ट हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी समेत पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज और रामनाथ धनंजय चिल्ड्रेन स्कूल के छात्र बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। खास रिपोर्ट नूर मोहम्मद आजमगढ़। कहाँ से कहाँ निकली है और आप विद्यार्थी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 125वीं जन्म जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी के यह यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अतरौलिया नगर इकाई के माध्यम से पटेल चौक से लेकर के धनंजय पब्लिक स्कूल तक 7 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा निश्चित रूप से समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, इस जिले को संदेश देने वाली यात्रा रही है। युवाओं के अंदर एक जोश भरने की यात्रा रही है। यह यात्रा के बारे में मैं पूरे युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जिसने जिस प्रकार से देश के अंदर एक युवाओं को अनुशासित करने का काम किया, युवाओं को अनुशासित करके आज़ाद हिंद फौज को, एक पूरे देश को सैनिक के रूप में संगठित करने का काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में इस 23 जनवरी को भारत सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। इस वर्तमान सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस नगर अतरौलिया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उस सरकार को, कि यह जो 23 जनवरी है निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि देश के अंदर अगर कोई एक नेता है वो है सुभाष चंद्र बोस, और बाकी कोई नेता नहीं है। नेता का वास्तव में जो जीवन का निर्वहन किया है, इस देश का नेतृत्व करने का काम किया है, इस युवाओं को नेतृत्व करने का काम किया है, निश्चित रूप से आज़ादी के समय जो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उस नारे को साकार करते हुए आज वर्तमान के युवा इस देश के लिए जीने का और इस देश को सजने का, संवारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ इस जन्म जयंती के अवसर पर, यह जो खून जो युवाओं ने देकर के इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है, या जो वर्तमान के युवा इस देश को संभालने का काम करेंगे, इस देश को सजाने का काम करेंगे, भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने का काम करेंगे, यही युवा इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, इस देश को युवा पुनः इस विश्व गुरु के रूप में सजाने का काम करेंगे। इतना ही मैं आज के दिन इस अवसर पर कहना चाहता हूँ।